नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पश्चिमी यमुना नहर, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहां पर अभी एक स्विफ्ट गाड़ी एक ट्रक में घुस जाती है, जिसके अभी आप फिलहाल यहां पर मौके पर जो मलबा है वो टूटा हुआ स्विफ्ट गाड़ी का आप देख पा रहे हैं। और अभी लगभग कुछ ही देर पहले जो है ये हादसा होता है और आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल बता दें स्विफ्ट गाड़ी जो है एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी टकराती है और उसका मलबा आप टूटा हुआ आप देख पा रहे हैं। इस समय ये सब लाइट्स और ये सब चीज़ें आप फिलहाल मौके पर देख रहे हैं। और सामने की ओर से आ रही थी स्विफ्ट गाड़ी और टकराती है एक बड़े भारी भरकम ट्रक में, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और यहाँ पर जाकर टकराती है, जिसकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है, इस पॉइंट पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये स्विफ्ट गाड़ी टकराती है। और फिलहाल आप तस्वीरें तो देख ही पा रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल मौके पर फिलहाल कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा कैसे हो, मालूम है आपको ये कैसे? और अभी फिलहाल यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जो ड्राइवर है वो शायद मौके से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर स्विफ्ट गाड़ी भी जो है सफ़ेद रंग की, उसकी भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरा हादसा कैसे हुआ ये हम जानने का प्रयास करेंगे। बता दें पश्चिमी यमुना नहर पर पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल बताया जाता है ये ट्रक यहाँ पर खड़ा था और खड़े ट्रक के अंदर जो है ये हादसा होता है। बहन जी कैसे हुआ था पूरा हादसा, आपने देखा था ये बताना एक बार जरा कैसे हुआ था? सर, मैं नहीं देखा था, मैं तो अंदर में थी, आवाज सुनकर आए। अच्छा, आवाज सुनकर आए थे आप? हाँ। तो ये जब ट्रक पूरा... वाले उतर के फिर शीशा तोड़ के उसको निकाल ले। अच्छा, ट्रक वाला जो है उसने उसको निकाला गाड़ी वाले को? अच्छा, तो ये मतलब खड़ा था ट्रक यहाँ पे? ट्रक खड़ा था, खड़ा था ट्रक ये। अच्छा, खड़े खड़े में आके मार दी टक्कर? खड़े खड़े में मार, वो करते गाड़ी वाले करते नींद आ रहे थे मेरे को। अच्छा, गाड़ी वाला बोलता है गाड़ी वाले को नींद आ रही थी? अच्छा, तो वो अच्छा ऊपर उसके बाद मतलब वो ठीक है वैसे गाड़ी वाला? हाँ ठीक है, गाड़ी वाला ठीक है। तो पुलिस भी आई थी मौके पे? सब आ गए थे, सब आए थे मौके पे। तो आपको शोर आया काफी तेज, तब आए थे आप यहाँ पे ऊपर देखा? हाँ, आपने हाँ। आके तो एक ही था गाड़ी में? एक ही व्यक्ति था गाड़ी में? अच्छा, एक ही जना था। और जो ट्रक चालक है वो कहाँ पर है? पता नहीं, ट्रक वाले को अभी मालूम नहीं है। वो पुलिस वाले साथ में ले गए? अच्छा, ले गए थे उसे साथ में, ले गए थे। तो अभी फिलहाल कितनी देर हो गई है? फिलहाल हो गया उस टाइम 8:30-9 का टाइम था। अच्छा, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये हादसा जिस तरीके से होता है, यहाँ पर छोटी छोटी ये देख सकते हैं ये कमरे बना रखे हैं छोटी सी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर छोटी सी बस्ती है और इनको जब शोर आया तब इन्होंने आकर देखा। मैं आप सभी से निवेदन करूँ तो करनाल शहर में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं हम आपको उसकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि बता दें तो जिस तरीके से हादसा हुआ उसकी तस्वीर मैं पहले आपको एक बार दिखा दूँ कि स्विफ्ट के क्या हालात थे जब ये पूरा हादसा होता है। तो ये आप हालात देख पा रहे हैं, ये स्विफ्ट गाड़ी के ये हालात होते हैं जैसा कि आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ऐसे पीछे जाकर जो है ये स्विफ्ट गाड़ी घुस जाती है, ये आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं। और ये जब पूरा हादसा होता है और पीछे से आता है, हालांकि लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद स्विफ्ट चालक बता रहा था कि उसे नींद आ गई और फिर ये हादसा हुआ। लेकिन अभी बहरहाल जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये हादसे जब होते हैं तो फिर कितने भयानक तरीके से होते हैं। हालाँकि स्विफ्ट गाड़ी जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से जो है डैमेज भी हो जाती है गाड़ी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि व्यक्ति जो है वो एक तरीके से जो है बच जाता है। और फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं इस समय, और गाड़ी में इस समय कोई मौजूद नहीं है। ट्रक का नंबर भी यूपी का है, UP15C T9458 नंबर का ये ट्रक है। और यहाँ पर सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो ट्रक का जो हेल्पर है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी फिलहाल भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरठ से है जी। मेरठ से हो? हाँ। तो ये कैसे हो गया हादसा पूरा? ऐसा जी, हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी हो रही खराब। ठीक है, पानी वाले, हम तो पानी के मारे रोके थे, पानी गिरना था हमें गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी जो है वो खराब हो गई? खराब हो रही थी। हाँ। ठीक है, अब पता नहीं कितनी स्पीड में था, नहीं था पीछे से आके उन्होंने पीछे। अच्छा, खड़ी गाड़ी के अंदर ही इस तरीके से टक्कर? आपकी गाड़ी बंद पड़ गई थी क्या? बंद पड़ गई थी गाड़ी आपकी? हाँ, खराब हो रही गाड़ी हमारी, बंद हो गई थी, पानी गिरने के लिए मारो रोका था, यही नीचे गए थे, पानी गिरना था गाड़ी में। अच्छा, इतने में उसने आगे टक्कर मारा? हाँ, इतने में आगे टक्कर मारा। तो आपने इंडिकेटर वगैरह चला रखे थे? सब कर रखे थे हमने, तो गाड़ी तो हमारी स्टार्ट थी वैसे। अच्छा, पानी गिरनी थी, पानी गिरना तो पानी उबाल मार रही, गाड़ी गर्म हो गई, तो हम पानी लेने गए थे वहाँ से गिरने के लिए। इतने पता नहीं कितनी स्पीड में आया, नहीं आया वो पीछे से। अकेला ही था वो?
हाँ वो अकेले था। तो उसको बाहर फिर वो कैसे निकाला? बाहर अच्छा, आपने बाहर निकाला? सबने निकाला, मेरे कार्ड में तो भारी निकाला। तो अभी पुलिस भी आई थी? हाँ पुलिस भी आई, तो मुझे लगे थाने में से, तो मार लग रहा थाने से आ रहे हो आप अभी। हाँ। बिल्कुल। और अभी फिलहाल देख सकते हैं, क्या नाम बताया आपने? और यहाँ पर फिलहाल ये पूरा हादसा किस तरीके से हुआ ये हम आपको अभी बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। जो ट्रक है बता रहे हैं वो खड़ा था, जैसा कि इन्होंने भी यही बात बताई है, और सामने वाली छोटी सी बस्ती है उसमें भी रहने वाले लोगों ने यही बात फिलहाल बताई है। तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही हुई है, चाहे वो स्विफ्ट चालक से ही क्यों ना हुई हो। और हमको पहले ही जो है इस बारे में जरूर इत्तला जरूर की जाती है, आपको लगातार इस तरह के हादसे जरूर दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये हादसे अचानक से जब भी होते हैं कहीं ना कहीं कोई लापरवाही होती है। अगर नींद आ रही है तो गाड़ी ना चलाइए। हालांकि इस मामले में क्या है, लापरवाही है या नींद है या तेज़ रफ्तार है, अचानक से नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हादसा जब होता है तो फिर जान जाने के ज़्यादा से ज़्यादा जो है संभावना रहती है तेज़ रफ्तार के अंदर। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।